हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तंवर की तमतमाहट के बाद ज्योतिरा दहिया का हठ अब कांग्रेस में कुछ करवा कर मानेगा। अब शब्द सुनने के बाद दहिया का दल कार्रवाई के लिए दहक रहा है। पहले गुलाम नबी आजाद को कंप्लेन किया, अब सीधे राहुल गांधी को खत लिख दिया है। राहुल अपनी खामोशी तोड़ेंगे या ज्योतिरथ का संघर्ष लंबा चलेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की साढ़े साती जारी है। न जाने राहुल की कुंडली में राहु की दशा खराब है या हरियाणा कांग्रेस पर शनि सवार है, भैया है या साढ़े साती मालूम नहीं, लेकिन तंवर के सियासी सितारे भंवर में जरूर नजर आ रहे हैं। पहले समीक्षा बैठक में अपने ही हावी हो गए। संगठन की कमजोरी का कारण तंवर को बताया जाने लगा। हार की समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ। तमतमाए तंवर ने यहां तक कह दिया, मुझे हटाना है तो गोली मार दो। लेकिन बैठक में हुए बवाल से ज्यादा बैठक के बाद हुए तथा कथित बदसलूकी ने सुर्खियां बटोर रखी हैं। आरोप है जयतीर्थ दहिया को तंवर ने अपशब्द कहे, तंवर ने धमकी दी। अब दहिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को खत लिखकर शिकायत की है। जयतीर्थ दहिया ने लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस तरह अपमानित होने के बाद वो किस तरह से पार्टी में बने रहे, ये राहुल फैसला करें। देखिए, जो गाली दी या नहीं दी ये पार्टी का इंटरनल मामला है और मैंने तमाम हालात श्री गुलाम नबी आजाद जी को लिख कर दे दिए थे और उनके बारे में पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जो कोई फैसला करेंगे। आपने गुलाम नबी आजाद जी को लिखित रूप में शिकायत दी है, उसका उसमें क्या एक्शन लिया गया? नहीं, अभी एक्शन कुछ नहीं लिया गया, लेकिन जो पार्टी करेगी वो सिर माथे पर जो फैसला में मंजूर होगा। राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हो? हम उम्मीद करते हैं वो न्याय करेंगे और सख्त एक्शन लेंगे इसमें। दरअसल 4 जून को कांग्रेस वॉर रूम में हरियाणा में कांग्रेस की हुई हार पर मंथन किया जा रहा था। मंथन में जो हुआ सो हुआ। मंथन बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर विधायक जयतीर्थ दहिया को गाली देने के आरोप हैं। उसी दिन जयतीर्थ दहिया ने गाली देने की शिकायत हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद को दी थी। सूत्रों के मुताबिक मामले में दहिया कार्रवाई के लिए अड़े हैं और अब खत राहुल को भेज दिया है। लेकिन कांग्रेस में द्वंद बस इतना ही नहीं है। खबर है कि राहुल अपने फैसले पर अड़े हैं और अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस का हाल सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि महज चंद महीनों में हरियाणा में चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा है जैसे फैसला लेने की स्थिति में कोई है ही नहीं। संगठन बनाना तो बहुत दूर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।